केरला मूवी को लेके मतलब ये इशू नहीं है बिल्कुल भी। इशू ये है कि केरला मूवी शेयर हुई थी फर्स्ट ईयर के ग्रुप में, तो उसके बैचमेट्स ने उनको ये बोला कि ये वाली चीज़ें इस ग्रुप में नहीं डालनी है क्योंकि ये स्टडी पर्पस के लिए कॉलेज ने बनाया है ये वाला ग्रुप। अगर तुम्हें शेयर करनी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं, आप अपने वाले ग्रुप में शेयर कर लो, ये पॉलिटिकल इशूज़ स्टडी ग्रुप में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो है वो जो उसने सीनियर्स को बुलाया और उस बच्चे को जिसने ये बोला था कि ये मूवी यहाँ पे शेयर नहीं होगी, उसको मारा अपने सीनियर्स के ज़रिए और ये भी बोला कि हम ग्रुप में जो चाहे मर्जी कर लेंगे, तुम जम्मू में हो तो जम्मू में ही रहो, तो मतलब ऐसे डराया उसको। फिर हमारे जो सीनियर से कुछ वहाँ पे वो लड़ाई रोकने के लिए गए थे लेकिन फिर उन्होंने उनको भी मारना स्टार्ट किया और इसी मुठभेड़ में वहाँ से एक ने हथियार निकाल के और शीशे की एक बोतल थी कि एक वो था कुछ हथियार था उसको सर पे मारा, उसको 12 टांके लगे, वो भी एडमिट है। जिन्होंने मारा वो कहाँ के? मारा ऐसे तो मतलब ऐसे जम्मू के थे आधे और आधे जो थे बाहर मतलब ऐसे राजौरी के भी थे और हमने उनके नाम बाजाब्ता कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को दिए हैं आगे और उनकी क्लास ये बोला है कि उनको कम से कम पुलिस ने जो आश्वासन इसको हमने दिया है लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई भी कार्रवाई इसमें नहीं की है। उन्होंने बस बोला है कि हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे लेकिन अभी तक हमें कोई भी नतीजा सामने नहीं आया। नहीं एक्चुअली मुझे पहले ही लगी थी ये, मुझे उसमें नहीं लगी थी, पहले ही मिली। अब सर हम ऐसे ही नहीं बैठे कल से यहाँ पे हमारे सर दिमाग ये है कि इससे पहले भी होता है एंड सर सेम पीपल आर रिस्पॉन्सिबल ईच एंड एवरी टाइम शायद लास्ट टाइम वी आर नॉट एबल एनफ। इस बार सर हम चाहते हैं कि एक्शन ले देर आर नॉट सर कुछ ही बंदे एक बार सर एक्शन लीजिए, हमें पूरा भरोसा है वो अगर एक्शन ले तो सर कोई मसला नहीं है, सब शांत होगा और सर हम पीस पे यहाँ पे रहना चाहते हैं। नया बैच है 2 बैच जो आया है सर, उस बैच के जो ऑप्शनल ग्रुप है उसमें किसी स्टूडेंट ने केरला मूवी मूवी जो है वो शेयर की थी, उसके अगेंस्ट में एक कश्मीरी बच्चे ने एजुकेशन वीडियो जिसको पॉलिटिसाइज ला रहे थे उसके अगेंस्ट सर उस बंदे को ये ढूंढ रहे थे कल और उसको मारने के उसके बाद